Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9. Dear CS professor students, याद रखिएगा सेशन कंटिन्यू चल रहा है भाई. सारे के सारे खतरनाक सेक्शन है. खतरनाक है का मतलब सर बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन आई नो दैट वेरी वेल कि मेरे बच्चा लोग बहुत इसे समझ रहे हैं. अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. आई अंडरस्टैंड कि आप लोग मेहनत पूरी कर रहे हैं तो ही आप लोग कर पा रहे हैं. सो आगे वाला सेशन याद रखिए क्लास 7 है ये वाली, और इसके अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 232. इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा. प्योरली बात करने वाला है मर्जर एंड अमलगमेशन के रेगुलेशंस के बारे में. याद रखना इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स यूज होंगी, हर एक को अच्छे से एलिबरेट करूंगा, इंटरप्रेटेट करूंगा, ताकि ना आपको क्लैरिटी रहे. ठीक है, जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा टॉपिक समझना इजी हो जाएगा, और इस सेशन में ही याद कराने की गारंटी लेता हूं. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा अब सेक्शन 232 की बात करेंगे. सेक्शन 232 मेरे साथ बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा. ऑलराइट, सेक्शन 232 की बात करेंगे. सेक्शन 232 की बात करेंगे तो कहता है मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज. मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, आई होप ये छोटी छोटी टर्म्स सबसे क्लियर हैं. अब ध्यान सुनना क्या होना. हमने सेक्शन 230 सीखा. सेक्शन 230 के अंदर कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर या इन केस ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेटर एप्लीकेशन फाइल करता है NCLT 1 फॉर्म के अंदर कि भाई ट्रिब्यूनल भाई आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स की स्कीम को अप्रूव कर दीजिएगा. बोला ठीक है. अब सुहान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना. ये एप्लीकेशन किसके पास आया? ट्रिब्यूनल के पास. NCLT 1 वापस रिवाइज करवा रहा हूँ फॉर्म नंबर NCLT 1. ट्रिब्यूनल ने देखा भाई इस जो एप्लीकेशन दिया हुआ है ना, ये एप्लीकेशन बेसिकली कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन या अमलगमेशन से रिलेट कर रही है. ध्यान सुनना, जो स्कीम हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, उसके अंदर आपने एक एप्लीकेशन फाइल किया सेक्शन 230 के अंदर. 230 की एप्लीकेशन जैसे ही ट्रिब्यूनल ने देखी, उसमें देखा कि भाई जो शेयर होल्डर्स या मेंबर या जो भी एप्लीकेंट है, जो हमने 230 में सीखा था, एप्लीकेंट जनरली कौन, कंपनी हो सकता है, मेंबर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है या फिर लिक्विडेटर हो सकता है. तो जो भी एप्लीकेंट है उसने एप्लीकेशन फाइल किया है, उस स्कीम के अंदर लग रहा है कि भाई ये तो रिकंस्ट्रक्शन या अमलगमेशन से रिलेट कर रही है, तो वहीं पर ही प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232 के अट्रैक्ट हो जाएंगे. मतलब अब NCLT आपकी एप्लीकेशन को याद देखिएगा अकॉर्डिंग टू 232 कंसीडर करेगी, मतलब मर्जर एंड अमलगमेशन के फॉर्म में. क्या हो रहा है ये पहली बात यहां पर इन्होंने डिस्क्राइब करी, इसलिए ध्यान से सुनना ताकि उतना इजी रहे समझना ज्यादा. ठीक है, याद भी करवाऊंगा साथ में. मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी सबसेक्शन 1 कहता है, सबसेक्शन 232 सबसेक्शन 1 ट्रिब्यूनल्स पावर टू कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर और मेंबर विद रिस्पेक्ट टू मर्जर और अमलगमेशन ऑफ कंपनीज. बोला ठीक है, कब ऐसा कब करेगा? जब व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 230. बात पकड़ मारा है? 230 में सीखा था जिसके अंदर एप्लीकेशन आपने दिया कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए. ठीक है सर. For the sanctioning of the compromise or arrangement proposed between a company or any person, हम जो डिस्कस किया हुआ एनी पर्सन कौन कौन, रिवाइज करो यार. कंपनी हो सकता है, कंपनी सर कौन होगा? कंपनी एंड बिटवीन इट्स मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर, कंपनी एंड बिटवीन इट्स क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर. ठीक है, एंड इट्स शोन टू द ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल को उस एप्लीकेशन में क्या दिख रहा है कि क्या चाहते हैं लोग, एप्लीकेंट चाहता क्या है. देखो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट दैट हैज बीन प्रपोज फॉर द पर्पस ऑफ इन कनेक्शन विद स्कीम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी. हाईलाइट करना इस वर्ड को, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी और कंपनीज इन्वॉल्विंग मर्जर और द अमलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज. सबसे पहला ध्यान से सुनना, उस एप्लीकेशन में NCLT को लगता है जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम जो प्रपोज की गई है, वो प्रपोज स्कीम के अंदर वो क्या चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी या मर्जर और अमलगमेशन ऑफ कंपनी. दोनों ही टर्म डिफरेंट हैं, ध्यान से सुनना. जब हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली दो तरह से होता है. ध्यान सुनते जाओ यार, सर हम सुन रहे हैं आप बताते जाओ. एक होता है इंटरनल, क्यों ढंग से नहीं चलते हो बेशरम, चलो. एक होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझाने के लिए, और एक होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. जब हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो हम बेसिकली हमारा फोकस क्या होता है कंपनी की, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल पे फोकस होता है. मतलब कंपनी बाहर कुछ छिड़कानी नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिकली काम कर रहा है.
और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, अज्यूम करते हैं जैसे कंपनी ए है और यहाँ एक कंपनी बी है, तो कंपनी ए कंप्लीटली क्या होगा, कंपनी ए और बी क्या करेंगे आपस में मिलकर, या अकेली एक कंपनी, या कंपनी ए अकेली, ध्यान सुना, कंपनी ए है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, कंपनी है जो ए है, क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये क्रिएट करेगा एक न्यू कंपनी क्रिएट करेगा, और शर्त ये रखी जाएगी कि इस एग्जिस्टिंग कंपनी का जो बिजनेस है, मतलब कंपनी ए का जो भी बिजनेस है, कंपनी ए का जो भी स्टाफ लोग है, मतलब एम्प्लॉय लोग है, वो किसका हो जाएगा, न्यू कंपनी का। एक तरह से अगर देखा जाए लॉसेस को एग्जिस्ट करने का तरीका है या एलिमिनेट करने का तरीका है, क्या कई सारे डेट बर्डन्स को, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है, जब एक्सटर्नल के अंदर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल में एक नया एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल कर रहे हैं तो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में ही अल्टरेशन कर रहा है। और उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों को अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल तो पता होगा। अच्छा, जब हम अमलगमेशन कहते हैं, अमलगमेशन के अंदर क्या है, दो मेथड हमने पढ़े थे, ब्लेंडिंग एंड ऑब्जॉर्प्शन। अगर पहला चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट याद है तुम लोगों को, मेहनत कर रहे हो ना तो याद होगा। क्या होता है, कंपनी ए और कंपनी बी दो कंपनीज हैं, दोनों मिलकर कंपनी एक नया क्रिएट कर दिया कंपनी सी, तो कंपनी ए और बी क्या हो गई आपस में अमलगमेट हो गई और कंपनी सी क्रिएट कर दिया, बात पकड़ में आ रहा है, अमलगमेशन। और कई केसेस में एब्जॉर्प्शन होती है जहां पर कंपनी ए एब्जॉर्ब कर लेती कंपनी बी को कंप्लीटली और अलग से ही कंपनी ए कंटिन्यू चलता है। तो दो ऑप्शन होते हैं बेसिकली अमलगमेशन के अंदर, कंपनी ए और बी अपनी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म करके एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं सी, बात पकड़ में आ रहा है। यहां पर अमलगमेशन में टू और मोर कंपनीज की बात होगी, जबकि हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जिस्टिंग कंपनी एक नया कंपनी क्रिएट करता है, फर्क समझ में आ रहा है, रिकंस्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी एक नया कंपनी क्रिएट करता है, अमलगमेशन में दो और दो से ज्यादा कंपनीज, देयर टू और मोर कंपनीज क्या कर रही है आपस में, मर्ज हो गई एंड क्रिएटेड अ न्यू कंपनी, पकड़ में आ रहा है। सर इतना क्यों बताया, क्योंकि मेरे बहुत सारा बच्चा लोग जिनको रिवीजन लेने से मतलब ही नहीं है, चलो सर से तो एक्स्ट्रा मेहनत करवाना ही करवाना है तुम, हाँ चलो आओ देखो। तो पहला पकड़ में आया बात, एप्लीकेशन गया 230 के अंदर, एनसीएलटी ने चेक किया एप्लीकेशन, एनसीएलटी ने देखा कि भाई ये क्या मांग रहे हैं, ये लोग मांग रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन या ये मांग रहे हैं लोग अमल कमीशन, ठीक है तो ये चेक कर लिया। फिर दूसरी चीज से चेक करेगा, अभी सिस्टम के अंदर क्या प्रपोज किया गया है, जो भी एसेट्स या यहां पर जाकर को ध्यान सुनो, जो कि क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, जब हम नया कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करेंगे, या कंपनी दो मिलकर एक नया कंपनी बना रहा है, अमल कमीशन हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज अराइज होंगी वो देखेंगे। अंडर द स्कीम होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज ऑफ एनी कंपनी रेफर्ड इज अ ट्रांसफर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी ट्रांसफरिंग कंपनी और इज प्रपोज टू बी डिवाइडेड अमंग एंड ट्रांसफर्ड टू टू और मोर कंपनीज। अब ट्रिब्यूनल दो चीजें देखेगा, ध्यान सुनना ताकि याद हो जाए। सबसे पहले सेक्शन 232 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जो आपने 230 के अंदर एप्लीकेशन दिया है फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल, किसमें कि आप अप्रूव कर दें, ट्रिब्यूनल अप्रूव कर दें कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो है वो किस लिए डिमांड कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन या फिर अमलगमेशन, ये ट्रिब्यूनल ने एप्लीकेशन में देखा पहली बात। अब इसमें सबसे पहले वो क्या कंसिडर करेगा, हमने क्या देखा कि ट्रिब्यूनल देखेगा भाई क्या कि जो ये स्कीम है ये या तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए है या अमलगमेशन के है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टीज हैं एंड लायबिलिटीज हैं किसकी, ट्रांसफरर कंपनी की भैया चल जा, ट्रांसफरर कंपनी की, वो किसको ट्रांसफर की जा रही हैं। अच्छा, एसेट्स प्रॉपर्टीज लायबिलिटीज होल भी हो सकती है और पार्ट भी हो सकती है, किसकी होगी, वो ट्रांसफरर कंपनी की, किसको ट्रांसफर की जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी को। ट्रांसफरी कंपनी का मतलब है जो दूसरी कंपनी बना रहे हैं, जैसे हमारे इस केस के अंदर हमने देखा यहां पर दो कंपनी थी ए एंड बी, अब ये कर तीसरी क्रिएट कर देती हैं और ए और बी आपस में खत्म हो जाएंगे, मतलब ए एंड बी कौन हो गई, ट्रांसफरर कंपनी। रट्टा नहीं मारना, समझना इस बात को, ट्रांसफरर
ट्रांसफरर कंपनी ए और बी, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी अब ये तो खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, सी को दे देंगे, तो ट्रांसफरी कंपनी। तो क्या वो एप्लीकेशन जो एनसीएलटी वन एप्लीकेशन आपने फाइल की एनसीएलटी को कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, उसके अंदर ये दो बातें दिख रही हैं। पहला, क्या वो मर्जर और अमलगम हो रिकंस्ट्रक्शन या अमलगमेशन से लिड कर रही है। दूसरी बात, क्या प्रॉपर्टीज अंडरटेकिंग्स होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग्स, मतलब ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफर की जा रही है। अगर ये दो बातें दिखी ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कहेगा जाओ मीटिंग कॉल करो क्रेडिटर का, क्लास ऑफ क्रेडिटर का, मेंबर का, जाके इनकी अप्रूवल लो। बात पकड़ में आया, ये हमको ट्रिब्यूनल ने यहां पर बताया। क्या ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन, यहां पर सेटल लाइए, यहां पर ध्यान से देखिए, ऑन सच एप्लीकेशन ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, क्लास ऑफ क्रेडिटर, मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, द केस मे बी, टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 3(2), सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 230 शैल अप्लाई। मतलब सर क्या था, अरे कल ही याद करवाया यार, पहली कल ही वाली क्लास में याद करवाया, क्या था सबसेक्शन 3 के अंदर, नोटिस सबको भेजा जाएगा। बोले हाँ सर याद आ गया, हाँ CAA 2 के अंदर सबको नोटिस भेजा जाएगा। बोला फॉर्म CAA 2 के अंदर नोटिस भेज दिया, फिर जो भी रेगुलेटर्स हैं उनको भी नोटिस भेजा जाएगा, फिर स्कीम को अगर एक बार अप्रूव कर दिया, बाद ही एनसीएलटी ऑर्डर मिल गया, तो फिर स्कीम को कोई भी किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। मतलब ऑब्जेक्शन मतलब अपील वकील कर सकते हो, बट ऑब्जेक्शन मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसेक्शन 3 to सबसेक्शन 6, किसी को थोड़ा श्रम आ रहा है समझ में, तो बेटा जाओ अपनी मॉड्यूल के ऊपर बुक्स में जाओ, कुछ पेजेस टर्न करो वापस पीछे, ये सारे सेक्शन हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। ये देखो सबसेक्शन 3 नोटिस ऑफ मीटिंग, देन नोटिस टू द बाय वोटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट और थ्रू यू नो व्हाट प्रॉक्सी ऑफ पोस्टल बैलेट हो सकता है, एंड रेगुलेटर्स को नोटिस देना होगा, और अप्रूव वंस इट इज अप्रूव्ड सिखाया भी था कल देखो, वंस द सेट स्कीम इज अग्रीड बाय द क्रेडिटर और मेंबर्स एंड अप्रूव बाय द एनसीएलटी, द सेम शैल नॉट बी बाइंडिंग, शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी क्रेडिटर मेंबर और लिक्विडेटर। ठीक है सर, 32 के अंदर 232 की पहली बात समझ में आ गई। ओके ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, क्योंकि अब हम मीटिंग करने वाले हैं भैया, मीटिंग कॉल करेंगे, ठीक है, किसका, लोगों का, शेयरहोल्डर्स का, क्रेडिटर्स का। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो, वो कहता है जी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्कुलेट कीजिएगा। कहता है सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर मेंबर्स और क्रेडिटर्स मीटिंग व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कॉल द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर और मेंबर्स, merging companies or companies in respect of which division is proposed shall also be required to circulate the following documents for meeting so called so ordered by the tribunal. ab kya kya documents aayenge dhyan se sunte jana bahut simple sa kaam hai. subsection 1 ke andar application ko consider kiya gaya by the tribunal, power of the tribunal dekhi उन्होंने क्या करा जी, दो बातें कंसीडर करी, रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन को रिलेटेड है या कंपनी कंपनी की प्रॉपर्टीज, ट्रांसफर कंपनी की प्रॉपर्टीज अंडरटेकिंग है, होल या पार्ट ट्रांसफर की जा रही ट्रांसफर ही कंपनी को। दोनों बातें कंसीडर करने के बाद में ट्रिब्यूनल ने मीटिंग कॉल करने का, जैसे ही सबसेक्शन 2 की तरफ जाएंगे, सेक्शन 232 सबसेक्शन 2 की तरफ जाएंगे, तो कहता है सर्कुलेट कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जो यहाँ पे स्कीम ड्राफ्ट की गई है, चाहे वो स्कीम रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या अमलगमेशन से रिलेटेड हो या डिवीजन ऑफ कोर्स कर रहे हो आप तब भी, तो उसकी ड्राफ्ट स्कीम जो है, उसकी ड्राफ्ट स्कीम को सबसे पहले कंपनीज के डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हो तो उसकी कॉपी चाहिए हमें। इसलिए पहला आता है ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म्स ऑफ द स्कीम ड्रॉन अप एंड अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द मर्जिंग कंपनीज, जो कंपनीज मर्ज हो रही है उनके डायरेक्टर्स ने क्या किया होगा, ड्राफ्ट किया होगा स्कीम। अब स्कीम में क्या ड्राफ्ट किया होगा, टर्म्स भैया, क्या प्रॉपर्टीज लाइबिलिटीज है ना, ट्रांसफर होंगी, कितनी लाइबिलिटीज बनेगी, इंडेमनिटीफाई कैसे किया जाएगा, वो सारी टर्म्स जो होंगी वो टर्म्स, तो हम क्या कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट, कौन सी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज टर्म्स ऑफ द स्कीम, कौन अडॉप्टेड किए हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द मर्जिंग कंपनी, पहला डॉक्यूमेंट वो चाहिए हमें। तो हम सिंपल वर्ड से कैसे याद करूंगा, सिंपल सा वर्ड है, क्या देखना है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट किस चीज का ड्राफ्ट चेक कर रहे हो, प्रपोज स्कीम का, सो ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्कीम्स रिलेटेड टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर आता है कंफर्म दैट कॉपी ऑफ ड्राफ्ट स्कीम फाइल विद द रजिस्ट्रार, दूसरा काम क्या करना है, जो भी डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया उसकी कॉपी अपने रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर दियो, तो इस बात की कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन, ठीक है। थर्ड आता है रिपोर्ट अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द मर्जिंग कंपनीज एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स,
KMPs, promoters, non-promoter shareholders, lying in a particular exchange ratio, क्या होगा, specify any special valuation difficulties. क्या दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई हम बताएंगे हमारे शेयरहोल्डर्स को, हमारे आई मीन हमारे मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, हम बताएंगे क्या बताएंगे भैया कि देखो ऐसा है, इस स्कीम का इफेक्ट क्या हो सकता है शेयर होल्डर्स पे, क्योंकि शेयर होल्डिंग परसेंटेज में कुछ चेंज आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आएगा, केएमपीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या उन्हें कंटिन्यू किया जा रहा है या चेंज किया जाएगा या वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नए अपॉइंटमेंट्स होंगे, क्या उन्हें कॉम्पनसेट किया जाएगा, हाँ, या नॉन प्रमोटर्स हैं या प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कितनी होगी, उन पे क्या चेंज आएगा, एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा, शेयर्स एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा, या साथ साथ में हम देखेंगे स्पेशल वैल्यूएशन डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, उनके शेयर्स को, ऑलराइट, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे. थर्ड आता है रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूअर, जी हाँ वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए हमको. एंड फोर्थ इज, नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट. सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है समझे, अब देखिएगा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, ध्यान सुनना, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 31 मार्च को, बोला सर ठीक है, क्लियर. अब आप ना जो इन शेयर होल्डर्स का मीटिंग कॉल कर रहे हो आफ्टर द 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च खत्म हो गया, उसका 6 महीने का एक्सपायरेशन भी हो गया, मतलब सर सितंबर निकल गया, देखो ध्यान से देखो, मार्च के बाद क्या आना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर में मीटिंग किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम, जो हम बात कर रहे हैं स्कीम का, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड हुए मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं. अब ऐसे केसेस के अंदर कंपनी के सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग हम ले लेते हैं, अकाउंटिंग का मतलब सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग से मतलब वो जो आज का डेट में आपके पास अवेलेबल है पिछला 6 महीने का, ठीक है, अगर 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 6 महीने से ज्यादा का पीरियड नहीं हुआ था एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, तो हम जो हमारे पास लेटेस्ट वही ट्रीट होते हैं, बट क्योंकि वो मोर देन 6 मंथ्स हो चुकी है इसलिए हम क्या करते हैं सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट देते हैं. जिन बच्चों को पता था बहुत बढ़िया बात है, जिन्हें नहीं पता था आई होप समझ में आ गया हो. तो कुछ 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहला तो ड्राफ्ट, जो भैया हमने स्कीम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ड्राफ्ट स्कीम, ड्राफ्ट प्रपोज स्कीम, टर्म्स और रिलेटेड टू ड्राफ्ट प्रपोज स्कीम, ठीक है, टर्म्स ऐसे याद कर सकते हैं आप, टर्म्स रिलेटेड टू द ड्राफ्ट प्रपोज स्कीम अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स, ये हम देखेंगे मर्जिंग कंपनीज, ठीक है. दूसरे हम क्या क्या रखेंगे बोलूंगा साथ में, कि जो भी कॉपी है ड्राफ्ट स्कीम का वो फाइल कर देंगे विद द आरओसी. तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इफेक्ट ऑफ द सच स्कीम केएमपीज पे, प्रमोटर्स पे, नॉन प्रमोटर्स पे, शेयर होल्डर्स पे क्या होगा, एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, उसका डिटेल हम बताएंगे. फोर्थ वैल्यूअर की रिपोर्ट. एंड द फिफ्थ बोलो मेरे साथ में भी बताता, सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग, सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट, क्लियर एकदम, आई होप याद होगा. सो इफ द लास्ट एनुअल अकाउंट्स ऑफ एनी ऑफ द मर्जिंग कंपनी लीड्स टू अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन मोर देन 6 मंथ्स बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी समन फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूविंग द स्कीम, सो सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट चाहिए. अगर अगर नहीं हुआ 6 महीने ज्यादा तो कोई बात नहीं, लेटेस्ट आपके अकाउंट्स वही होंगे, वही दे दीजिएगा, क्लियर. ये हमने सबसेक्शन 2 के अंदर काम कर दिया. अब सेक्शन 3 के अंदर जाते हैं, तो याद रखिएगा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपके लिए और इजी करने के लिए बना दी हैं. कहता है सैंक्शनिंग ऑफ स्कीम बाय द ट्रिब्यूनल. अब ट्रिब्यूनल भाई क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेगा, ध्यान सुनो ना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. देखो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, क्रिमिनल अगर आपकी स्कीम को कंसीडर कर रहा है तो किन किन बातों के लिए क्रिमिनल ध्यान से देखेगा समझेगा. देखो अब यहां पर आपके लिए शॉर्ट में रेडी किया हुआ ताकि आप फटाफट समझ लें. कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरिंग कंपनी. पहला काम तो क्रिमिनल क्या कंसिडर करेगा कि जो ट्रांसफर कंपनी है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी लाइबिलिटीज ट्रांसफर की जा रही है किसको, ट्रांसफरिंग कंपनी को. याद कीजिएगा पहला क्या याद रखेंगे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज, बोलो ना यार, ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी. दूसरा अलॉटमेंट बाय ट्रांसफरी कंपनी टू, ऑफकोर्स अब क्या होगा, अप्रोप्रिएशन, अलॉटमेंट या अप्रोप्रिएशन होगा. भाई आप एक बार बताओ, ट्रांसफर कंपनी का जब प्रॉपर्टीज आपके पास आएगा तो उसके बदले कंसिडरेशन दिया जाएगा, तो वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होगा, तो वो शेयर्स अलॉटमेंट होगी, या अलॉटमेंट नहीं होगी तो अप्रोप्रिएशन किया जाएगा. तो दूसरा क्या कंसीडर करेगा यहाँ पर ट्रिब्यूनल, अलॉटमेंट बाय ट्रांसफरिंग कंपनी, शेयर्स हो सकता है, पॉलिसीज हो सकती है, डिबेंचर्स इश्यू करेगी, कंसीडरेशन देना पड़ेगा रे प्रॉपर्टी के बदले.
कंटिन्यूशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, जी हाँ, जो भी प्रोसीडिंग्स लीगल प्रोसीडिंग्स ट्रांसफरर कंपनी के नाम से पहले चल रही थी, अब वो किसके नाम से कंटिन्यू हो जाएंगी, ट्रांसफरिंग कंपनी के नाम से। ये थोड़ी ना है कि आपने अमलगमेशन कर लिया या रिकंस्ट्रक्शन कर लिया और बोले सारे के सारे लीगल प्रोसीडिंग्स भी झाड़ के रख दो वहीं, हम फ्री हो गए, ना कंटिन्यू रहेगा। डिसॉल्यूशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विदाउट ऑफ कोर्स वाइंडिंग अप। अब से एक क्वेश्चन भी आया है, ये ऐसा कोई तरीका है कि बिना वाइंडिंग अप के, बिना वाइंडिंग अप के कंपनी डिसॉल्व हो जाए? बोला हां जी, अमल कमीशन है ना, अमल कमीशन इज वन ऑफ द मेथड इन व्हिच विदाउट कंपनी गो थ्रू विद द वाइंडिंग अप कैन बी डिसॉल्वड। ऑलराइट, सो क्या कह रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विदाउट द वाइंडिंग अप। अब यह क्या होता है, कोर्ट कंसीडर करता है, समझना, एनसेलिटी यहां पे कंसीडर करेगा कि नेसिटी नहीं है किसी इसकी वाइंडिंग अप करने की। क्या होता है वाइंडिंग अप कब करते हैं, जान सुनो, अगर जो आपने सेक्शन में 230 में एप्लीकेशन लगाया कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के थ्रू और उसके अंदर आप क्या डिमांड कर रहे हैं, अमलगमेशन, बट अमलगमेशन एज पर दिस सेटिस्फैक्टरी ऑफ ऑल लीगल प्रोविजंस नहीं है, बात समझ रहे हैं, अगर वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, ये ट्रिब्यूनल को वो फिट नहीं लग रहा है, तो ऐसे केसेस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है चलो जाओ वाइंड अप करो, बात पकड़ में आ रहा है। सो अमलगमेशन एक मेथड है जिसके थ्रू बिना वाइंडिंग अप करे आप डिसॉल्व कर देते हैं कंपनी को, ठीक है सर। फिर आता है प्रोविजन फॉर डिसेंडिंग मेंबर्स और क्रेडिटर्स, सब्जी हाँ, जो लोग इस स्कीम के साथ में अप्रूव नहीं कर रहे उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब उन्हें उनके लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उनके लिए क्या फेयर ट्रीटमेंट रखा जाएगा ताकि वो लोग डिसेंट हैं तो भैया तुम कंटिन्यू आगे निकलो। शेयर्स अलॉटमेंट टू एनआरआईस, जी हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, मान लीजिएगा कोई कंपनी का पहले से ही कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन शेयर होल्डर है, कौन, नॉन रेजिडेंट इंडियन शेयर होल्डर है एनआरआई। अब ऐसे केस में देखो एनआरआई, ठीक है, ऐसे केसेस में हमें याद रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफकोर्स जो एफडीआई की प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना है, तो वो ऑर्डर के थ्रू ही, जो ऑर्डर मिलेगा मतलब एनसीएलटी बताएगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही अलॉटमेंट की जाएगी एनआरआईस को। ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरिंग कंपनी, ये देखेगा क्या कि जो एम्प्लॉय लोग किसका है ट्रांसफर का, वो किसका एम्प्लॉय हो जाएगा, ट्रांसफरिंग कंपनी का। अभी आप लोग याद है कुछ साल पहले ये चीज उसमें दिखाए थे, जब SBBJ और SBI ने इसको अपना अंडर ले लिए, मतलब मर्ज हो गया विद द SBI, तो जितना इसका SBBJ का एम्प्लॉयज था वो किसका हो गया अभी, SBI का। फिर फीस पेड ऑन ऑथराइज कैपिटल बाय ट्रांसफरर कंपनी शैल बी सेट ऑफ, जी हाँ, जब ट्रांसफरर कंपनी बनाया होगा तो आपने ऑथराइज कैपिटल के ऊपर फी पे किया होगा। अब क्या होने वाला है, ट्रांसफरिंग कंपनी भी अपनी ऑफकोर्स अगर अपनी जो ऑथराइज कैपिटल है उस पर फी पे करेगा, तो जो फी पे करेगा वो एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रांसफर कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल पहले ही पे किया होता, अब जो भी अमाउंट होगा फी का वो एग्जिस्ट हो जाएगा अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। अब ये पॉइंट्स मेरे साथ में याद कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार हो सकता है एग्जाम में एग्जामिनर आपसे यही पूछ ले कि क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करेगी बिफोर ग्रांटिंग द अप्रूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। वन मोर टाइम, अब देखो यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस रखना, देखो यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस रखना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज किसकी होंगी यार, ट्रांसफर कंपनी की होंगी तो लॉजिकली याद हो जाएगा, तो कीवर्ड याद रखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज, बोला ठीक है। अलॉटमेंट, जी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कौन करेगा, जिसको प्रॉपर्टीज मिला है वो दूसरे को अलॉटमेंट करेगा क्या, शेयर्स, ठीक है, तो करने वाला कौन है, ट्रांसफरिंग कंपनी। दूसरा कंटिन्यूशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अब ऑफ कोर्स किसकी कंटिन्यूशन कर रहे हैं, भाई ट्रांसफर कंपनी की ही, जो लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटिन्यू रहेंगी विद द नेम ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। डिसॉल्यूशन किसका होगा भाई, लॉजिकली सोच कर देखो, ट्रांसफरिंग कंपनी का, हां नहीं, ट्रांसफर कंपनी का डिसॉल्यूशन होगा, ठीक है, विदाउट वार्निंग अप। फिर देखो प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग, ऑफ कोर्स अब हर कोई तो खुश नहीं होने वाला है स्कीम से, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं वो क्रेडिटर्स हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविजन रखेगा। शेयर्स अलॉटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफरिंग कंपनी, अब किसको कर रहा है, अगर एनआरआई है तो एनआरआई के केस में एज पर द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी ट्रांसफर किया जाएगा। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज पे फोकस रखो, या फी पेड ऑन ऑथराइज कैपिटल, वो भी जाएगा रे, किसके एग्जिस्ट हो जाएगा अगेंस्ट द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। और आई होप एक बार ये लिस्ट ध्यान से देखो और मेरे साथ बोल के बोलो, पहला हमने देखा ट्रांसफर एंड लाइबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज एंड प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर जाएगा, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी। तीसरा याद रखना, ऐसा
कीवर्ड्स याद करवा रहा हूं, ठीक है। तीसरा कॉन्टिन्यूशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, चौथा डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी, पांचवा प्रोविजन फॉर डिसेंडिंग मेंबर्स या कोस्केल्टर्स, छठा शेयर्स अलॉटमेंट टू एनआरआई एज पर द ऑर्डर ऑफ द एनसेलिटी, ठीक है सर, क्योंकि एफडीआई का गाइडेंस देखनी है ना एनआरआई के केस में, एनआरआई का केस में देखना पड़ेगा रे। और इसके बाद में ट्रांसफर एम्प्लॉइज ऑफ दैट, जितना भी एम्प्लॉय लोगो ट्रांसफर का वो किसका जा रहा है, एम्प्लॉय किसका हो रहा है, ट्रांसफर ही का। एंड फी पेड ऑन राइट्स कैपिटल शैल बी एडजस्टेड। अब अगर तुमने ये समझा तो तुम्हारे को सबसेक्शन 3 हो गया, ठीक है। इसमें बस एक चीज हमको अलग से पढ़ा रहे हैं, वो है ये एच समझाने के लिए, ध्यान सुनना, एच भी समझाने के लिए क्यों बता रहा हूं। अब ऐसा समझो, ट्रांसफर कंपनी तो लिस्टेड है और ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड है। ऑफ माई गॉड सर, ये क्या करें हम, ध्यान सुनो, ट्रांसफर कंपनी, देखो अभी हमने क्या सीखा, कंपनी ए अज्यूम करो ट्रांसफरर, और ये भाई साहब जो है, ये कंपनी जो है हमारी लिस्टेड है, और जो अनलिस्टेड है हमारी जो बी है, जो ट्रांसफरी कंपनी है, वो कैसी है, अनलिस्टेड। तो कहता है जी इनका शेयर होल्डर्स, लिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर्स को जहां हम ऑफकोर्स यहाँ पे जब इनके पेमेंट्स करेंगे, वैल्यूएशन जो होगी वो एज पर द सेबी रेगुलेशंस होंगी। देखो यही बस इतना मेन पर्पस उसका समझाने का यही है। व्हेन, आओ इधर स्क्रीन पे ध्यान दो, व्हेन द ट्रांसफर कंपनी इज लिस्टेड एंड द ट्रांसफरिंग कंपनी इज अनलिस्टेड, ठीक है, द ट्रांसफरिंग कंपनी शैल रिमेन एन अनलिस्टेड कंपनी अंटिल इट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी इफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी डिसाइड टू ऑप्ट आउट ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी प्रोविजन शैल बी मेड फॉर द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम अदर बेनिफिट्स इन अकॉर्डिंग विद द प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर्मूला और आफ्टर द वैल्यूएशन इज मेड द अरेंजमेंट अंडर दिस प्रोविजन शैल बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल द अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यूएशन अंडर दिस क्लॉज फॉर एनी शेयर्स शैल नॉट बी लेस देन what has been specified by the SEBI under the any regulation framed by it. मतलब सिंपल वर्ड्स में याद रखना, क्या कह रहे हैं, लिस्टेड कंपनी ट्रांसफरर है और अनलिस्टेड कंपनी एज इट इज कंटिन्यू कर रही है, उसका शेयर होल्डर लोगों ने यही ऑप्ट आउट किया कि वो एज इट इज उसको रख रहे हैं, मतलब अनलिस्टेड ही रख रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर शेयर्स की वैल्यूएशन करवाई जाएगी, क्योंकि जिसको ट्रांसफरर है, ट्रांसफर कंपनी की प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज तुम ले रहे हो, तो उसके बदले तुम उसको पेमेंट करोगे ना, मतलब शेयर अलॉट करोगे, तो उसकी वैल्यूएशन जो होगी इस पर सेबी रेगुलेशन होगी जिसको ट्रिब्यूनल कंसिडर करेगा। इतना सा बात याद रखना है, ठीक है सर, ये आपने याद करवा दिया। अब तुम ध्यान से अगर देखोगे ना, सारे पॉइंट्स अभी तुमको याद करवाए हैं, ये सारे ट्रांसफर अलॉटमेंट कॉन्टिन्यूशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग रिजोल्यूशन प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग पर्सन शेयर कैपिटल फॉर एनआरआईज एम्प्लॉयज ट्रांसफर एम्प्लॉयज, ये क्लियर है। अब ये मेरा तुमको एडवाइस है, बाकी को देखो ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्विकली रिकॉल कर सको, ठीक है। आई होप ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं दौड़ते हुए और देखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज हमें बोली गई है, वो मैंने इससे पहले वाला सेशन में समझाया था कि ट्रिब्यूनल किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमल कमीशन की स्कीम को अप्रूव ही नहीं करेगा जब तक वो ये नहीं देख लेगा कि ऑडिटर से उसे सेक्शन 133 का सर्टिफिकेट मिल गया। 133 का मतलब कि फॉर द प्रपोज स्कीम कंपनी ने प्रॉपरली सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ट्रीटमेंट किया है। मतलब सर, अब भैया ऐसे थोड़ी ना है कि एसेट्स उठा के लिया हो, प्रॉपर्टीज उठा के लिया हो और पता लग रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को तुम फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो ऑडिटर जो होता है वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, वो क्या ग्रांट करेगा सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट कि भैया कंपनी ने ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, पता लगा एसेट्स के साथ में तुम खिलवाड़ कर रहे हो, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कुछ और लगा रहे हो, एडजस्टमेंट कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मिलने के ऊपर ही करेगा, ये पूरा बात यहाँ पर समझाया हुआ है, डिस्कस इससे पहले क्लास में किया है। लेट्स अंडरस्टैंड सबसेक्शन 4। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करना स्टार्ट करें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लायबिलिटीज। एन ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन प्रोवाइड्स दैट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज देन बाय द वर्चू ऑफ ऑर्डर द प्रॉपर्टी शैल बी द ट्रांसफर टू द ट्रांसफरिंग कंपनी एंड द लायबिलिटी शैल बी ट्रांसफर टू एंड बिकम द लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी एंड एनी प्रॉपर्टी मे इफ ऑर्डर सो डायरेक्ट्स फ्री फ्रॉम द एनी चार्ज विद बाय शैल वर्चू ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एज अ सीज टू हैव इफेक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर किसकी हो जाएंगी, ट्रांसफरिंग कंपनी की हो जाएंगी, और लायबिलिटीज होंगी वो भी बेटा तुम्हारी होंगी। हाँ, बाय द ऑर्डर अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज से वो फ्री कर रही है आपको ट्रिब्यूनल,
क्योंकि अफकोर्स कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं हम स्कीम को, तो वो फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा किसका, कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी है तो, बट वो बाय ऑर्डर ही चेक की जाएगी। अब जो सर्टिफाइड कॉपी, अब देखो ट्रिब्यूनल तुमको ऑर्डर दे दिया, भागकर जाओ एनसीएलटी वो आरओसी के पास, कहां जाना है भागकर आरओसी के पास, और आरओसी के टेबल पर रखो क्या एनसीएलटी का ऑर्डर है सर फाइल कर दीजिएगा, कब तक जाना है विद इन 30 डेज आराम से ही भाग के जा सकते हो, लेकिन 30 डेज का टाइम है। Said that every company in relation to which order is made shall be caused certified copy order to be filed with the registrar for registration within 30 days of the receipt of the certified copy. Certified copy का मतलब क्या है? जो particular xerox copy है, but xerox copy पर NCLT का seal होता है, sign होता है with the presiding officer, ticket did mention होता है, तो certified copy है। सर हमको पता था, मेरे लिए सब बच्चा equal है, जिसको नहीं पता था उसको भी बताना, जिसको पता था अच्छी बात है। इफेक्टिव डेट ऑफ स्कीम, अब ये बड़ा झंझटबाजी वाला खेल है, बोला इसमें ये देखेंगे वो देखेंगे, मैं तुमको सीधा एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। इफेक्टिव डेट का ही मतलब ये है, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, इफेक्टिव डेट एंड अपॉइंटेड डेट। अब इफेक्टिव डेट का मतलब क्या है, ध्यान सुनो, हम इस स्कीम को अप्रूव कर दिया एनसीएलटी ने, ये सर स्कीम इफेक्टिव कब से हो रही है, तो पहली बात तो जो ऑर्डर में डेट स्पेसिफाई की हुई है अफकोर्स उसे हम कंसिडर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इफेक्टिव डेट का मतलब ही कब से इफेक्टिव बनता है, जब एनसीएलटी का ऑर्डर लिख लेना, इस बात को बहुत माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अपने शौक के लिए तुम खूब पढ़ो, मुझे कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप चीजें क्विकली समझ लें। एनसीएलटी का जो ऑर्डर है ना मेरे बच्चे, एनसीएलटी का जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को क्या करते हो, फाइल करते हो विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बात पकड़ में आ रहा है, NCLT का ऑर्डर आप फाइल करते विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और ये फाइल करने का टाइम कितना बोले थे आपको, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। तो इफेक्टिव डेट का मतलब ही यहां पर ये है कि व्हेन अ कंपनी फाइल द ऑर्डर ऑफ द NCLT विद द ROC, व्हेन अ कंपनी फाइल द ऑर्डर ऑफ द NCLT विद द ROC, अब 30 डेज के अंदर करना होता है, यहां जैसे आपने फाइल कर दिया उसी डेट से वो इफेक्टिव बन जाती है क्या स्कीम, क्योंकि उसी डेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग, याद रखिएगा, क्या करेंगे, ट्रांसफर, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते हैं, देखो, स्टेट दैट स्कीम अंडर, देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा, स्टेट दैट द स्कीम अंडर दिस सेक्शन शेल क्लियरली इंडिकेट, स्कीम में बताया जाएगा an appointed date from which it shall be effective and the scheme shall be deemed to be effective from such date and not at a subsequent date to the appointed date. क्या होता था, ध्यान सुनना, एनसीएलटी, मैंने अभी जैसा बताया, एनसीएलटी ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है, अब ध्यान सुनना सर, मतलब एनसीएलटी जब ऑर्डर पास कर रहा है ना बेटा, तो एनसीएलटी ऑर्डर में ही स्कीम के अंदर मेंशन करेगा। फॉर एग्जांपल एनसीएलटी ने बोला कि भाई ये स्कीम जो है 15th मार्च से इफेक्टिव होगी, 15th मार्च से इफेक्टिव होगी, तो 15 मार्च क्या हो गया उसके लिए, इफेक्टिव डेट हो गया। अब कंपनी की या कंपनी का मैनेजमेंट ने सोचा कि अच्छा ठीक है, हम लोग 15 मार्च से इफेक्टिव करने की बजाय, हम लोग कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग उसको कब से करेंगे, 30th मार्च से इफेक्टिव करेंगे, बोला कोई सब्सिक्वेंट डेट नहीं चलेगा, इफेक्टिव डेट जो ऑर्डर में प्रिस्क्राइब की गई है 15th मार्च, उसी से ही से इफेक्टिव माना जाएगा, फॉर द पर्पस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जो प्रॉपर्टीज है, लाइबिलिटीज है, जो ट्रांसफर की जा रही है उस पर्पस के लिए, क्लियर हो रहा है एकदम। अच्छा, दूसरा, अगर सर मेंशन अगर नहीं है, तो मैंने अभी बताया कि एनसीएलटी का ऑर्डर जैसे आप फाइल कर देंगे विद आरओसी, वहीं से वो इफेक्टिव डेट मान जाएगी, उसके बाद से नहीं मान जाएगा, बात पकड़ में आ रहा है। ऑल राइट सर, अब यहां पर डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहां पर देखना डिफरेंट केसेस दे रखे हैं इसी के ऊपर, जो मैंने अभी बताया आपको ना, इसी के ऊपर ही बात बताई गई है, यहां पर अलग अलग चल जा भाई, केस लॉ से जजमेंट्स हैं, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम इसको देखो डिटेल में आपको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, सब्सेक्शन 6 को क्यों, देखो समझो, मैं कुछ चीजें केस लॉ सारे ही नहीं कहता हूँ कि पढ़ने के लिए, कुछ मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आपको बताता हूँ अच्छे से, पर इससे ना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। आप फाइनल का स्टूडेंट है, दिस वन एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि आप एटलीस्ट इसे पढ़ें। नहीं आता है किसी को तो ऑफकोर्स अनार्कनाइन का व्हाट्सएप पे आप भेजो मेरे क्वेरीज, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 232 सेक्शन 6 कहता है, इट सेड दैट द स्कीम शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड डेट एंड नॉट, अच्छा अपॉइंटेड डेट का मतलब यहां पर क्या है, किसको कहना चाहिए, जो कि ट्रांसफर डेट, ट्रांसफर का मतलब क्या हो रहा है यहां पर, जब भी आप ट्रांसफर करना स्टार्ट कर रहे हैं ना प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट टू डेट सब्सिक्वेंट टू द अपॉइंटेड डेट।
This is an enabling provision to allow the companies to decide and agree upon the appointed date from which the scheme shall come into force. बोलो ठीक है. अब इसमें clarification क्या दिया? पहला आंसर देखो. The Act enables the companies to, in caution, to choose and state in the scheme an appointed date. ये पहले ही काम करेंगे वो. जब NCLT को file कर रहे हो ना तभी. This date may be specific calendar date or may be tied to the occurrence of the event such as grant of license. जैसे आपने कहा कि भाई मुझे particular जैसे ही license इस particular sector regulator से grant हो जाएगा तब से ये effective बन जाएगी. मान लीजिएगा आपने amalgamation किया और आपने अगर अथॉरिटी को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए, अब वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपको एक पर्टिकुलर डेट पे तक मिला ही नहीं है और इफेक्टिव डेट आपके सामने आ गया तो बोले ठीक है. तो दो बातें इंपॉर्टेंट होगा, या तो कोई स्पेसिफिक कैलेंडर डेटों का जो मेंशन किया गया होगा, या हो सकता है किसी इवेंट के ऑक्रेंस के अकॉर्डिंग आपने उसे अटैच किया हो, जैसे ग्रांट ऑफ लाइसेंस को लेके हो सकता है, या कोई प्री कंडीशंस हो सकती है कि भाई कंप्लीशन के बाद ही इफेक्टिव माना जाएगा सारे ट्रांसफर के. सो बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और फुलफिलमेंट ऑफ एनी प्री कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और मीटिंग ऑफ एनी अदर रिक्वायरमेंट एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एक्सेट्रा विच आर रिलेवेंट टू द स्कीम. The appointed date identified under the scheme shall also be deemed to be an acquisition date and the date of the transfer of control for the purpose of confirming the accounting standards. इसलिए important भी है. Appointed date is chosen as a specific calendar date. It may precede the date of filing of the application for scheme of the merger and amalgamation and NCLT. However, if appointed date is significantly and distant beyond the year from which the filing of the justification for the same would have to be specifically brought out in the scheme and it should not be against the public interest. अगर एक साल से ज़्यादा का time निकल रहा है तब, within a year नहीं हो रहा है, appointed date beyond the year जारी तब. Scheme may be identified appointed date based upon the occurrence of the trigger event which is key to the proposed scheme and agreed upon by the parties. अभी कई बार क्या होता है ना, देखो हम जो main जिस किस reason की वजह से हमने you know what scheme को के लिए हमने apply किया है वो particular event happen होने पर ही effective माने जाए, पकड़ मारा है तो इवेंट भी बेस हो सकती है. बट इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं से कंक्लूड करूं, देखो हावर इन इन केस ऑफ सच इवेंट बेस्ड ऑन डेट बीइंग अ डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2 द कंपनी शैल फाइल एन इंटीमेशन ऑफ द सेम विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच स्कीम कमिंग इनटू फोर्स. बात सुनना बहुत ध्यान से. अब कोई की इवेंट है वो हैपन कब हो रहा है, वो लेटर ऑन हो रहा है. ऑर्डर फाइल कर दिया आपने विद आरओसी और उसके बाद भी वो लेटर ऑन उसके फाइल वो की इवेंट हैपन होगा. की इवेंट जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल अथॉरिटी से लाइसेंस ही हमको बाद में मिल रहा है, तो बोला ऐसा केस में अंदर अगर वो लेटर ऑन है तो आप आरओसी को इस बात की भी इंटीमेशन देंगे, क्योंकि आप समझिएगा यहाँ पर सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस इफेक्टिव डेट के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करेंगे. वहां से तो कंट्रोल स्टार्ट होगा भाई कंपनी का, तो इफेक्टिव डेट मेंशन करना मैंडेटरी है. तो सिंपल वर्ड्स हम कैसे याद रखेंगे, पहली बात कि डेट जो होगी स्कीम के अंदर मेंशन होगा इफेक्टिव डेट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम क्या देखेंगे, जो ऑर्डर है एनसीएलटी को फाइल कर दिया होगा विद द आरओसी तब से वो इफेक्टिव बन जाएगी, ठीक है. तीसरी बात जो अपॉइंटेड डेट है वो कंपनी चूज कर सकता है डिपेंड्स ऑन कि पर्टिकुलर किसी इवेंट के हैपन होने से, जैसे हमने कहा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने पे या कोई प्री कंडीशन पूरा होने पर वो उसको इफेक्टिव उस डेट से माना जाएगा. बट अगर कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है कि एनसीएलटी ऑर्डर फाइल करने के बाद में वो डेट आपको मिलती है अपॉइंटेड, मतलब वो इफेक्टिव लेटर ऑन हो रही है, वो इवेंट लेटर ऑन हैपन हो रहा है, ऐसे केस के अंदर आपको आरओसी को विद इन 30 डेज इंटीमेशन देना होगा कि पर्टिकुलर जो की इवेंट है वो लेटर ऑन हैपन होगा, उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी. खूब पकड़ में आऊंगा. यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है सेक्शन 7 के अंदर कि भाई अगर ये स्कीम तो लंबी चली जा रही है, बोले यार ये तो स्कीम इंप्लीमेंटेशन का जो बात कर रहे हो आप अभी, अच्छा थोड़ा वक्त भी लगता है, ऐसा नहीं होता कि ट्रांसफर आपने का ट्रांसफर कर दो ट्रांसफर तो सामान उठा के ला दिया रखना है, सब ये नहीं होना है, पेपर वर्क बहुत होता है, टेक्स टाइम. तो क्या है इसमें बोला गया प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, वो इस बात को इंश्योर करेंगे, मतलब उनसे सर्टिफिकेट लेके आइएगा कि कंपनी जो है कंप्रोमाइज अरेंजमेंट्स की स्कीम जो अप्लाई कर रही है इंस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन उसे प्रॉपरली कंपाइल कर रही है एज पर द एनसीएलटी ऑर्डर. ये सबसेक्शन 7 ने बोला हो कहता है दैट एवरी कंपनी इन रिलेशन टू व्हिच द ऑर्डर इज मेड शैल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम फाइल अ स्टेटमेंट इन सच अ फॉर्म विद इन सच टाइम एज मे प्रिस्क्राइब with the registrar every year duly certified by the chartered accountant, a cost accountant or company secretary bhi ho sakta hai, indicating whether the scheme is being complied with the accordance with the order of the NCLT or not.
फिर आता है पेनल प्रोविजन कि बेटा अगर तुमने नॉन कंप्लायंस की वजह से सबसेक्शन 5 क्यों कह रहा था सर, खतरनाक सेक्शन बोल के गया था, देखो क्या आपने क्या नहीं किया, आपने अगर फाइल नहीं किया ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज तो बहुत ही कम पेनल्टी लगा रहे हैं कम का मतलब समझ रहे हो, देखो क्या कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 20,000 rupees are where failure fails continue one the further penalty of 1000 rupees for each day after the first during which the failure continues subject to maximum 3 lakh rupees. to yahan par likh lijiyega agar aapne ROC ke sath order file nahi kiya kiska NCLT ka to 20 jao 20,000 aur agar continue raha to 1000 continue plus maximum kitna ho sakta hai short mein likh dijiyega मेरा मुझे पता है यहाँ पर राइटिंग बहुत अच्छा नहीं आ रहा है ठीक है 20,000 ऑलराइट सर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख मतलब कंटिन्यू उनमें अगर 1000 पर डे हो जाएगा ठीक है सर आई होप यहाँ तक का क्लास पकड़ में आया अब एक बार ना सबसे पहले क्या काम करो देखो एक बार फटाफट से गो थ्रू करो इसको वापस से सुनो अभी क्लास कंटिन्यू है भाग मत जाना क्लास कंटिन्यू चल रहा है गो थ्रू करना मतलब अभी पहले इसको समझ लिया है तो उसको एक बार फटाफट से जरूर रीड करो और कोई भी क्वेरी होगा इस पार्ट का तो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसका मर्जर अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी आर ए आर इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई सर धीरे धीरे पूरी बुक इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहे हो एक बात तुम बताओ सच्ची सच्ची देखो समझो अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनना है ना थोरो पढ़ने क्या डालो ये पता है नोट से तुम्हारा करियर बर्बाद जाएगा तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा ना बाद में तुम बोलोगे सर हमारा सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा सर मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिल रही थोरो पढ़ने का डालो पकड़ मारा है तो हिम्मत रखो चीजें सीखो ऑलराइट अभी चलो अब स्टार्ट करेंगे अभी स्टार्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट वाला सेशन में करेंगे क्यों का रीजन है आज 3 क्लासेस आपकी रहने वाली है तीसरी क्लास मतलब आज आपका सेक्रेटरी ऑडिट का भी क्लास है आपका आरसीडी का भी क्लास है सो आप कंटिन्यू इसे कंप्लीट कीजिएगा और आपके टेस्ट भी हैं आई अंडरस्टैंड सो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिएगा इसको पहले इसे कंप्लीट करिए फिर इसके बाद में आज का टेस्ट कंप्लीट कीजिएगा फिर आरसीडी का क्लास कंप्लीट कीजिएगा फिर सेकेंडरी क्लास कंप्लीट कीजिएगा आई नो बड़ा टारगेट है पर आप कर सकते हैं मुझे भरोसा है आप पे बट बाय टेक केयर